हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आज लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं सीपेट किया हूँ। बहुत लड़के मुझसे पूछते थे कि सर आप कहाँ से किए हैं, कौन सा कॉलेज था आपका, कौन सा कोर्स है। तो मैं DPT किया हूँ सीपेट अमृतसर से, और मैं आज इस टाइम प्रोडक्शन इंचार्ज के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि आप हमारे एक फैमिली मेंबर के जैसा हो गए हैं। तो आप लोगों को भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बाहर जो जॉब करने जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितनी उलझने आती हैं, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उन सब के बारे में बात किया जाएगा, चाहे फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस वाले। तो सबसे पहले हम फ्रेशर वालों के लिए बात करेंगे। जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों का क्या होता है, जो पास आउट लास्ट ईयर में रहते हैं वो लोग बराबर जॉब सर्च करते रहते हैं। अच्छी बात है जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आपका प्लेसमेंट है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है इतने लड़कों का, जो जाना चाहे वो जा सकता है, अपना नाम लिखवा दे या जो भी तरह तरह की बातें। तो क्या है कि अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम जानिए, और नाम जानने के बाद से किसी से पता करवाइए कि वो कंपनी है कैसी, और फिर से जो हमारे प्लेसमेंट इंचार्ज लोग कहते हैं कि आप जाइए, इतना आपका पेमेंट है, इतने हाउस की ड्यूटी है, बिल्कुल आप उन पे विश्वास, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि, और बहुत लड़कों का ऐसा मतलब मेरे पास कॉल भी आया है कि सर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे एक आके भेजा गया था और ऐसा है कहीं देखिए। तो ऐसे बहुत लड़के मिले हैं हमको, तो उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी जाना है, आप अगर प्लेसमेंट इंचार्ज सर बोल रहे हैं कि हमारे पास वो ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं भेजे हैं, आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों का डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा, अच्छी बात है हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन पहले हम प्लेसमेंट इंचार्ज सर से हमें क्या करना चाहिए कि उनसे राइटिंग में लिखवा लेना चाहिए कि आप हमें भेज रहे हैं, यहाँ पे आप भेज रहे हैं, और उसके बाद से आप जो इतने घंटे की जॉब है और इतना सैलरी है, या तो इनसे लिखवा लीजिए या फिर कंपनी से मंगवा लीजिए, तभी आप जाइए, नहीं तो बाद में आप जाके फंस जाएंगे तो ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप जहाँ भी जाएं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कॉलेज छोड़ के फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, तो थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज जैसी लाइफ नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगर जहाँ पे आप जा रहे हैं और आप कौन से फील्ड में जाना है पहले ही डिसाइड कर लें, जॉब ना मिले तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, अच्छी बात है, कुछ दिन आप इंतज़ार कर लें वो अच्छी बात है, लेकिन आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उसी फील्ड में जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप साल भर, 1 साल 2 साल किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिस एक्चुअली जिस उस फील्ड में आपको काम करना नहीं होता है, आपको फील्ड चेंज करना होता है, आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। और जो जिस फील्ड में जा रहे हैं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग में बिल्कुल आप मत जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लास्ट तक देखिए, फिर लास्ट में अगर नहीं आपका वो फील्ड मिल पाया, अगर लास्ट में आपको वो फील्ड नहीं मिल पाया, तो फिर आप जो भी थोड़ा बहुत मैनेज करके जिस फील्ड में जाना है वो चले जाइए, लेकिन आपका सर्चिंग रहना चाहिए बराबर 6 महीने तक, आप कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिए जिस फील्ड में आपको जाना है, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो क्या होगा
कि आप 2 साल 4 साल 3 साल के बाद से अगर आप फील्ड चेंज करेंगे तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेशर हो जाएंगे, तो इसके कारण आप फील्ड भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उस फील्ड अगर वो फील्ड तत्काल में नहीं मिल पा रहा है तो कोई ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही आप अपना फील्ड ढूंढ लीजिए, सीनियर से या कोई भी कंटेक्ट का मिल जाए वहाँ से आप फील्ड अपना ढूंढिए और उस फील्ड में थोड़ा सैलरी कम भी मिले तो आप चले जाइए। आप थोड़ा कम सैलरी में भी चले जाएंगे और उस फील्ड में आप जाके अपना स्किल्स मजबूत कर लेंगे तो 1 साल में आप मन चाहे सैलरी ले सकते हैं। उस फील्ड में जो सैलरी चल रही होगी वो सैलरी आप ले सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं वो जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में बिल्कुल अपना 100% दीजिए। स्टार्टिंग है अभी स्टार्टिंग है, 5 साल तक आपका स्टार्टिंग ही रहेगा। 5 साल तक आप जितना मेहनत कर लें, जितना अपने आप को इम्प्रूव कर लें, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जितना ही इम्प्रूव कर लें अपने आप को, क्योंकि 5 साल तक अगर हम चाह दें हम, तो 5 साल बाद हम किसी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं। तो आप जिस कंपनी में भी वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें बस यह इनडिपेंड होकर के वर्किंग मत कीजिए कि हमें यहीं पे रहना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और अगर वहाँ से ज़्यादा आपको कहीं और मिलेगा, सब व्यवस्था आपको अच्छा मिलेगा, लोकेशन भी अच्छा मिलेगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यह आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे बस इतना अपने माइंड में सेट करके काम कीजिए कि हमें इसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज हो, पूरा डीपली नॉलेज हो जाए इसके बारे में। हमसे कोई कुछ पूछे तो वहाँ पे एक आंसर पूछे तो हम उसको 10 तरीके से उस आंसर को बताने की क्षमता रखें अपने अंदर, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कुछ जानकारी आपको देता रहूं, और हमारे इस चैनल पे आपको तो पता है कि पर डे एक वीडियो आती ही आती है, चाहे जैसे भी आए, और फिर से जॉब से रिलेटेड भी आपको संडे को बताया ही जाता है, और मैं मैक्सिमम लड़कों का जॉब लगवा चुका हूं, और मैं आप जो भी एक्सपीरियंस वाले लड़के हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपका जूनियर मिले तो प्लीज़ कुछ ना देखते हुए उन लोगों का हेल्प करें। उन लोगों का जॉब, अगर जॉब ढूंढ रहा है लड़का तो उसे जॉब ज़रूर आपके कॉन्टेक्ट में कहीं मिले तो आप प्लीज़ उनको सेट करें, क्योंकि ये हमारा जो भी सिपेट है, सिपेट पूरा सिपेटियन एक फैमिली जैसा है, तो हम क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, अगर कोई सिपेट का मिलता है तो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील होता है कि ये हमारे ऐसा लगता है कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है। तो प्लीज़ दोस्तों हेल्प करें अपने जूनियरों का, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा ऐसा ही कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आते रहेंगे, और जॉब के लिए जॉब आपको 101% हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो भी मेरे चैनल पर आए वो बिना जॉब के वापस ना जाए, सबको जॉब मिलेगी। क्योंकि अभी मेरा कई जगह लिंक बन गया है आप लोगों की वजह से, कई जगह कंपनियों का भी कॉल आ रहा है अभी इस टाइम, फॉरेन के लिए बहुत ज़्यादा कंपनियों का फ़ोन आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी हमारे बैचमेट या जो भी सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स का हेल्प ज़रूर करें। आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।